हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी सेकेंड लेक्चर ऑन साउंड वेव्स। साउंड वेव के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो साउंड को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में समझा कि क्या होता है, वो कंप्रेशन और रिफ्रेक्शन पल्सेस का कॉम्बिनेशन होता है जो आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, बोले ना कि प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन लिखे थे, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर दोनों फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्टरबेंस को मतलब वेव को लिख सकते हैं। वही यहाँ पे सीखेंगे कि उनका क्या रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव, ये क्या है। साउंड वेव को ही दूसरे तरीके से हम बोल रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट कंटेंट बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। तो कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये जो हवा है उसका एक एलिमेंट दिखा रहे हैं और उस एलिमेंट में एक्स पोजीशन पर कुछ है उसको और एक्स प्लस डी एक्स पर के बीच में जो एलिमेंट है उसको हम लोग लेते हैं। ठीक, तो ले लिया जाए एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच का एलिमेंट ले लिए। अब सपोज कीजिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स, यहाँ वाले पार्टिकल्स जो है वो एस डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट होता है, कहीं से पल्स आया, यहाँ से किसी ने जनरेट किया, ट्यूनिंग फॉर्क टाइप का कुछ होगा जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता होगा, तो वो पल्सेस को आगे की तरफ मूव करता है। उसी में से कहीं पर हम ये एलिमेंट लिए, तो ये एस डिस्प्लेस हो गया और ये जो है वो एस प्लस डी एस डिस्प्लेस हो गया, यहाँ आ गया, ये एस प्लस डेल्टा एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ वाला पार्टिकल जो है वो एस प्लस डेल्टा एस और यहाँ वाला केवल एस डिस्प्लेस हुआ, और ये जो लेंथ है ये डेल्टा एक्स है, ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, इस पॉइंट मतलब कि एक्स एक्सिस में अगर लोकेशन बोले तो, और इसको मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ मोस्ट पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो लिखना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं प्रेशर के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, एक्स प्लस डी एक्स और एक्स के बीच का जो एयर है और उसी को स्टडी कर रहे हैं कि जब 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 वेव आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा। तो S जो है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया है, और S प्लस डी एस मतलब यहाँ आ गया है। तो अब जो है एयर पार्टिकल ये जगह ले लिया है, पहले कितना लिया था, ये जगह लिया हुआ था ये वाला। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ आ गया पार्टिकल, तो यहाँ से ले करके यहाँ के बीच का जगह ले लिया। ठीक है, अब जगह चेंज हो गया। तो दोनों में अगर ध्यान से देखिएगा तो जो आपका दिखेगा कि और भी कुछ इसमें चेंज हुआ है, x टू x प्लस डी एक्स से डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो इसका पहले देखते हैं कि कितना मास होगा, डेल्टा m जो हो जाएगा, मास को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डेल्टा x, ये हो जाएगा इसका मास, मास ऑफ द एलिमेंट, कोई शक नहीं इसमें। तो एरिया इंटू डेल्टा x जो है मास ऑफ द एलिमेंट हो जाएगा बिटवीन एक्स में, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रो ए डेल्टा एक्स, ये मास हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो वाइब्रेशन ये जो जनरेट हो रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है वो है लेट एस इक्वल टू एस जीरो साइन ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेशन है वाइब्रेशन का, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन, इसी वाइब्रेशन की वजह से प्रेशर और ये जनरेट होगा, तो इसको ले करके चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सिचुएशन जो मैंने दिखाया है कि जो यहाँ था वो इतने में आ गया है अभी थोड़े देर बाद, तो जो यहाँ से यहाँ जो आया है उससे क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया है। ठीक है, देखते हैं कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो हो जाएगा वो ये एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला ट्री, अगर ये भी एस डिस्प्लेस होता तब तो नहीं होता वॉल्यूम चेंज, जितना ये वाला रीजन हुआ उतना ही दाहिने साइड वाला होगा तो नहीं होता, लेकिन ये एस प्लस डेल्टा एस हुआ है और ये एस हुआ, इसका मतलब डेल्टा एस अमाउंट जो है अभी नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो कितना है, एरिया इंटू डेल्टा एस, इतना इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम, तो एरिया इंटू डेल्टा एस भाई साहब इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है किसी भी गैसियस का, फ्लूड का, तो हम लोगों ने देखा है कि वो क्या वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप करता है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वी, डेल्टा वी बाई वी,
वो वॉल्यूम स्ट्रेन, तो द एलिमेंट इज देयरफॉर अंडर ए वॉल्यूम स्ट्रेन, कितना वॉल्यूम स्ट्रेन है, माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो है उसमें डेवलप हुआ है, माइनस डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप हो चुका है उसमें, तो वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप हो चुका है और इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा वी जो है ये है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी। हमें एस पता है, एस कितना है, एस इक्वल टू एस जीरो साइन ओमेगा टी, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, अगर टी नहीं टी माइनस एक्स बाई वी ये है ना, ठीक है, ये जो है ओमेगा टी तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है, तो वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो डिफ्रेंशिएटिंग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस जो हो जाएगा वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस जीरो, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, एस जीरो माइनस पहले आ जाएगा एस जीरो ओमेगा बाई वी, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और उसके बाद साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और फिर डेल्टा एक्स भी यहाँ पे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डेल्टा एस, तो जो 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 डेल्टा वी जो हो गया वो ए इंटू डेल्टा एस वो किसके बराबर हो गया, माइनस माइनस डेल्टा वी, मैं सॉरी डेल्टा वी लिखते हैं, रहने दीजिए, डेल्टा वी ए डेल्टा एस इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, एस जीरो ओमेगा बाई वी इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, और डेल्टा एक्स भी रहेगा यहाँ, ये आ गया डेल्टा वी, ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा आपका माइनस ए एस जीरो ओमेगा डेल्टा एक्स बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब डेल्टा वी बाई वी ये भी दूसरा वी है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम वाले वी से ये वेलोसिटी वाला भी है और वॉल्यूम वाला भी ये हो जाएगा, सॉरी कैपिटल वी, ठीक है, तो इससे क्या हो जा रहा है, देखिए कैपिटल वी क्या हो जाएगा, कैपिटल वी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं ए डेल्टा एक्स, तो इसको हटा ही देते हैं, कन्फ्यूजन दूर रहेगा, ये हो जाएगा ए डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स कट जाएगा यहाँ से, कैंसिल हो गया, एरिया भी चला जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा केवल माइनस एस जीरो ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये बच गया, ये डेल्टा वी बाई वी हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने क्या सीखा था, वी ऑल्सो नो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क मैटर में पढ़े थे, याद कीजिए, तो एक बल्क मॉड्यूलस नाम का एक चीज़ था जिससे प्रेशर को रिलेशन आया था, कि प्रेशर मतलब कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसे हम लोगों ने बल्क मॉड्यूलस नाम दिया था बी, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये ठीक है, जहाँ पर बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस किसका, जो भी एयर है उसका बल्क मॉड्यूलस है, तो डेल्टा पी यानी कि जो नॉर्मल या एवरेज प्रेशर से जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन में पी बोल रखा है, तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा, पी इक्वल टू बी, और माइनस डेल्टा वी बाई वी करेंगे तो हो जाएगा एस जीरो ओमेगा बाई वी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। अब क्या है, बी एस जीरो ओमेगा बाई वी जो है ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग पी जीरो बोल लेते हैं, तो पी जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये क्या आ गया, पी इक्वल टू पी जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, एक दूसरी टाइप का इक्वेशन आ गया, जो कि प्रेशर में और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास इक्वेशन था एस इक्वल टू एस जीरो, ये था एस इक्वल टू एस जीरो साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक कॉस है तो एक साइन है, दोनों में पाई बाई टू का फेज का डिफरेंस है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेव है और प्रेशर वेव है वो दोनों फेज से पाई बाई टू के डिफरेंस पे है, ठीक है। तो जो यहाँ पर पी जीरो क्या है, वट इज पी जीरो, P
पी जीरो इक्वल टू बी एस जीरो ओमेगा बाई के। अब ओमेगा बाई के का अलग नाम है बी एस जीरो, सॉरी ओमेगा बाई वी था। बी एस जीरो बाई के बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर के क्या है ओमेगा बाई वी, वेव नंबर टू पाई बाई लैम्बडा जो होता है ये पता है वेव में, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया और ये प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ पल्स निकल रहा है, इक्वेशन ऑफ वेव निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए सी केयरफुली दैट द प्रेशर वेव डिफर इन फेज बाई पाई बाई टू फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेव, है कि नहीं। देखिए एक साइन है डिस्प्लेसमेंट वेव, तो प्रेशर वेव जो है वो कॉस हो गया, तो साइन और कॉस में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें जब फेज डिफरेंस इतना है तो जब ये मैक्सिमम होगा तो वो मिनिमम होगा, जब वो मिनिमम होगा तो ये कुछ इस टाइप का होगा, तो प्रेशर मैक्सिमा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब मैक्सिमम प्रेशर होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वैल्यू के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि साइन अगर कॉस अगर पाई बाई टू होता है सपोज कीजिए, तो साइन मैक्सिमम होगा, साइन पाई बाई टू होगा तो कॉस जीरो हो जाएगा। मैथमेटिक्स से थोड़ा समझने का इसको कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि हमारा जो डिटेक्शन सिस्टम है, जो ईयर है, जो कान है, या कोई भी जो साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, वो प्रेशर को डिटेक्ट करता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, बताइए। तो एनर्जी के फॉर्म में अगर उसे डिटेक्ट करना है कि कितना एनर्जी आ रहा है तो किसको डिटेक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रेशर डिटेक्ट होता है। तो जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो और वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट न भी हो तो पार्टिकल अगर मैक्सिमम प्रेशर जहाँ जनरेट हो रहा है वहाँ साउंड डिटेक्ट होगा, वहाँ एनर्जी का फील आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस टाइप के हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कि बोथ ईयर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर रिस्पॉन्ड्स टू प्रेशर वेव एंड नॉट द डिस्प्लेसमेंट वेव, इसलिए प्रेशर वेव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे साउंड का सोर्स है, इस टाइप से बॉक्स है, साउंड बॉक्स, और यहाँ भी कोई एक साउंड बॉक्स है सपोज कीजिए, और दोनों साउंड बॉक्स जो है साउंड रिलीज करता है, और बीच में अगर कोई कान लगा दिया बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का जीरो होना चाहिए यहाँ पर बीच में, है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, तो इसका जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों इधर 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 से भी जो है डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, तो ये वाला पार्टिकल जो है वाइब्रेट नहीं करना चाहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सुनाई तो सबसे ज़्यादा देता है क्योंकि प्रेशर मैक्सिमम है, तो प्रेशर मैक्सिमम होने की वजह से सुनाई देता है, इसलिए प्रेशर इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इवन इफ देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम एट द ईयर डिटेक्टर, एंड देयरफॉर प्रेशर वेव इज मोर एप्रोप्रिएट देन द डिस्प्लेसमेंट वेव एज फार एज साउंड प्रॉपर्टीज आर कंसर्न। मतलब जहाँ तक साउंड एनर्जी की बात है, तो प्रेशर जो है वो उसका मेन एम्पलीट्यूड है, उसी से इंटेंसिटी डिसाइड होता है, डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने वेव में पढ़ा है कि जो पार्टिकल का जो की वजह से जो इंटेंसिटी है वो पार्टिकल की वजह से, तो पार्टिकल की वजह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं मैटर करता है, साउंड में प्रेशर इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए लिख रहा है कि प्रेशर वेव इज मोर अप्रोप्रिएट देन डिस्प्लेसमेंट वेव एज फार एज साउंड प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, ठीक है। और एक प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए इसमें क्या बोलता है, कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या बोलता है अबाउट ए साउंड, क्या बोलता है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर ट्रैवलिंग इन एयर, द प्रेशर एट ए पॉइंट वेरीज बिटवीन दिस पास्कल, पी ए मतलब पास्कल, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है और यहाँ प्रेशर वेरिएशन दे दिया है। हमें पता है क्या कि प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, पी जीरो और एस जीरो के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर आप याद कीजिए थियरी पार्ट, तो पी जीरो इक्वल टू बी
बी जो कि बल्क मॉड्यूलस होता है मीडियम का, बी ओमेगा एस जीरो बाई वी या बी एस जीरो के बोल सकते हैं था। ठीक है, वी नो कहाँ से जानते हैं कि पी जीरो जो होता है दैट इज इक्वल टू बी एस जीरो के, ये वैल्यू होता है जहाँ पर के क्या है 2π/λ और एस जीरो ये वाला वैल्यू है, ये एस जीरो हो गया और पी जीरो क्या हो जाता है, पी जीरो आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रेशर एम्पलीट्यूड मतलब नॉर्मल प्रेशर से हट के, तो पी जीरो जो है दैट इज इक्वल टू 14 पास्कल। ठीक है, पी जीरो 14 पास्कल है। आप इस चीज़ को बढ़िया से समझिए, ये जो दिया गया है ये बोल रहा है कि नॉर्मल प्रेशर जो कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है उससे वेरिएशन जो है वो प्लस माइनस 14 पास्कल का है। ठीक है, तो पी जीरो 14 हो गया, ये फॉर्मूला पुट कर देना है, इस वाले में वैल्यू पुट कर देना है, तो 14 पास्कल इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस ही तो पूछा है बी एस जीरो के, और एस जीरो का वैल्यू 5.5×10⁻⁶ और के का वैल्यू 2π/λ, लैम्डा का वैल्यू 35 सेंटीमीटर, तो 10⁻²⁺ कर देते हैं, मीटर हो गया। ठीक है, तो सब SI सिस्टम में आ गया, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 14×35×10⁻²⁰ ÷5.5×10⁻⁶ ÷2π। ठीक है, 2π है, 2π का वैल्यू 6.28 होगा, या फिर और भी तरीका इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करिए और जो इसका जो वैल्यू आएगा किसका बल्क मॉड्यूलस का पिजरोला में सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा बताइए, वो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 15×10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15×10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप सॉल्व करिए खुद से, देखिए क्या इतना ही आ रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर लीजिए या 3.14 पुट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मीटर बल्क मॉड्यूलस का क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी माइनस में, अगर आप याद कीजिए तो इसका जो यूनिट होगा ये तो एक रेशियो होगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो तो सिर्फ रेशियो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, लेकिन ऊपर वाला प्रेशर है, तो बल्क मॉड्यूलस इज सेम एज प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है,